नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो पपी देख रहे हैं हमारी होम ब्रीडिंग पपी है और बोथ साइड इम्पोर्ट लाइन लगा हुआ है, मदर और फादर दोनों तरफ से इम्पोर्ट लाइन लगा हुआ है। तो बच्चे की क्वालिटी बहुत ही सॉलिड होने वाली है और बच्चे की एज जो है अभी लगभग 26-27 दिन की है और बॉडी वेट आप देख सकते हैं अपने एज के हिसाब से ग्रो काफ़ी अच्छे हो रहे हैं बच्चे। डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल करा देंगे हम, बच्चे विथ KCI और विदाउट KCI दोनों ही मिल जाएंगे आपको। डिपेंड करता है आपको कैसा चाहिए, अगर विदाउट KCI चाहिए तो आपको प्राइस कुछ नेगोशिएट हो जाएगा। बच्चे की प्राइस जो होने वाली है दोस्तों वो 22,000 से स्टार्ट होने वाली है। बहुत से मेरे ब्रदर का कॉल आता है कि या कुछ लोग कमेंट कर लेते हैं, यार भैया आपके यहाँ की प्राइस बहुत हाई है ना। तो मैं आपको बता दूँ, बच्चे की प्राइस हाई नहीं है, बच्चे प्रीमियम क्वालिटी के हैं। और अगर बच्चे की प्राइस की बात करें दोस्तों, अगर जिनको हाई लग रहा होगा तो हमारे पास जो डॉग है जितने भी हमने 70,000 के नीचे कोई डॉग परचेस ही नहीं किया है। सारे डॉग हमारे 70-80,000 1 लाख इस टाइप के परचेसिंग के हैं। उस हिसाब से हम जो पपी की प्राइस कोट करें वो बहुत बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। और प्लस जो बच्चे की क्वालिटी है, हम ये बोलते हैं कि आप ऑल ओवर इंडिया सर्च कर लीजिए इस क्वालिटी में, इस प्राइस में। हम इस प्राइस में कंपेयर कर रहे हैं, बहुत कम ब्रीडर हैं जो इस प्राइस में आपको बच्चे प्रोवाइड करा पाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों, थोड़ी सी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज, वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। रीज़न ये है कि अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं ये रात के अंधेरे का है और दिन में वीडियो अच्छी आती है, बट दिन में हमको बच्चे को अभी बाहर निकालते नहीं बन रहे हैं क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा, गर्मी बहुत ज़्यादा हमारे तरफ। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जैसे बहुत लोग बोलते हैं भैया ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है बहुत हैवी ज़्यादा पड़ जाएंगे क्या, तो मैं बता दूँ दोस्तों, जो ट्रेन के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आते हैं अगर हम ट्रेन में भेजते हैं तो डिपेंड करता है उनका लोकेशन, लगभग 3,000 रुपये से 8,000 रुपये तक ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है। बट बहुत से जगहों के लिए हमारे आसपास से बस अवेलेबल है। तो बच्चे अगर बस में जाता है, मान लीजिए बिहार, झारखंड, MP, उड़ीसा, इन कुछ क्षेत्र में जो है हमारे यहाँ से बस जाता है और बस में जो बच्चे भेजने का जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बहुत कम रहता है, मात्र 1,000 रुपये में बच्चे पहुँच जाते हैं। 600-700 किलोमीटर तक बच्चे 1,000 रुपये के खर्चे में पहुँच जाते हैं। तो अगर कोई ब्रदर ये सोच रहे कि हमको भैया ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस की वजह से वो कॉल नहीं कर रहे हैं तो आप बेफिक्र होकर कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में भी पपी चाहिए जिसको 14-15 हज़ार के रेंज में चाहिए तो उनके लिए भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। तो अगर आप उस रेंज में आते हैं तो आप फिर भी हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपका बहुत प्रीमियम बच्चा है, एक्सपेंसिव बच्चा लेना चाहते हैं तो भी हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ये पपी देख रहे हैं ये 22,000 से स्टार्ट है। 22,000 से स्टार्ट होकर जैसे जैसे पपी की क्वालिटी है बढ़ते जा रही है, जो हैवी बच्चे हैं उसकी प्राइस अलग रहती है। तो इस तरह से करके जो पपी की हमारे पास जो पपी की रेंज है अभी 22,000 से स्टार्ट होकर 50,000 तक के रेंज के बच्चे भी हमारे पास अवेलेबल है। जो 50,000 के रेंज के बच्चे हैं वो मैंने अभी वीडियो अपलोड नहीं किए उसकी, वो बोथ साइड इम्पोर्ट है और जर्मन ब्लड लाइन से, प्योर जर्मन ब्लड लाइन से। तो अगर किसी ब्रदर को थोड़े से ज़्यादा प्रीमियम में चाहिए तो भी आप हमें कॉल करके उसकी वीडियो फ़ोटो मंगा सकते हैं, अभी तक हमने डाले नहीं उसकी पिक। और इसके अलावा अगर किसी को इस बच्चे में इंटरेस्ट है तो उसके लिए कॉल कर सकता है। और इसके अलावा अगर आपको अदर ब्रीड भी चाहिए, अदर ब्रीड मतलब अगर आपको जर्मन शेपर्ड चाहिए, रॉटवाइलर चाहिए, लैब्राडोर चाहिए, सारे अवेलेबल रहते हैं। और एक चीज़ और दोस्तों, बहुत से लोगों को अभी भी ये कन्फ्यूज़न है कि भैया डॉग में बैन लगा हुआ है, तो उनके लिए जानकारी के लिए बता दूँ कि गवर्नमेंट ने जो है, कोर्ट ने जो है बैन हटा दिया है। अभी किसी भी डॉग में कोई बैन, किसी तरह का कोई बैन नहीं है। आप परचेस कर सकते हैं, आप ब्रीडिंग कर सकते हैं, आप सेलिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कोई आपसे ये नहीं बोलेगा कि भैया आप अपने डॉग का रजिस्ट्रेशन कराओ या आप अपने डॉग को क्या बोलना चाहिए, न्यूट्रल कराओ, नज़रबंदी कराओ उसके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा कोई इशू अगर किसी ब्रदर के साथ आता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको आपका बिल्कुल सॉल्यूशन निकालेंगे। और कोर्ट की हियरिंग की वीडियो और कुछ पेपर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगा। और इसलिए दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही है, रीज़न ये कि हमारी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। मैंने 2-3 दिन पहले भी वीडियो अपलोड किया था, उसमें भी वॉइस काफ़ी ख़राब आ रही थी तो मैंने फिर दोबारा अपलोड नहीं किया। तो अभी काफ़ी बेटर फील कर रहे हैं। कुछ मेरे भाई हैं जिन्होंने बेस्ट विशेज भेजी थी रिकवरी के लिए, तो खैर उन भाइयों का भी थैंक्स बोलना चाहूँगा। रिकवरी काफ़ी अच्छी हुई है, काफ़ी बेहतर फील कर रहे हैं हम। तो
भाई तो बच्चे की बात करते थे, बच्चे की वीडियो हम कोशिश करेंगे कि दिन में वीडियो बनाएं। और इसके अलावा दोस्तों मार्केट में बहुत से लोग ऐसे हैं कि वीडियो को कॉपी कर लेते हैं, हम सोशल मीडिया साइट पे डालते हैं वो वीडियो कॉपी करके फिर अपना बच्चा बता के फिर बेचना चालू करते हैं। बेचना क्या चालू करते हैं, वो एडवांस दे देते हैं फिर गायब हो जाते हैं। कस्टमर सोचते हैं यार यही बच्चा तो हमने सोशल मीडिया पे देख वो भेजे थे, यही बच्चा हम आपके पास भी देख रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बचे दोस्तों, नंबर हमारा दिया हुआ, चाहे तो आप कॉल करके कन्फर्म कर सकते हैं। आइए दोस्तों वीडियो आपको ठीक लगेगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक क्लिप बाय बाय एंड टेक केयर।